तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज की वीडियो भी इंटरेस्टिंग रहने वाली है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। एंड जिसने भी यार अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, जल्दी से जल्दी कर दो, आज ही 60K का जो गोल है वो पूरा हो जाएगा। तो फर्स्ट अपडेट निकल कर आ रही है, वो निकल कर आ रही है टीम प्लेयर्स एंड ऑर्गेनाइजर्स के बीच में। तो जो एनकोर है उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया था जिसमें उन्होंने बोला था कि उनको एक दिन का ब्रेक चाहिए, क्योंकि आप लोगों को भी पता ही है हर जॉब में भी एक दिन का ब्रेक होता है। एंड इसके बाद उन्होंने बोला था कि उनको मंडे का ब्रेक चाहिए। एंड इसके बाद जो सिड भाई हैं उन्होंने भी लोगों की स्ट्रीम पर इस चीज़ पर रिएक्ट करा था, तो उन्होंने पे क्या बोला वो आप लोग देख सकते हैं। क्योंकि वॉच पार्टी नहीं कर पाऊंगा मंडे को, बट ठीक है कोई इशू नहीं है। आई थिंक द प्लेयर्स डिजर्व अ ब्रेक, और इवेंट ऑर्गेनाइजर्स को हम लोग बोल बोल के थक गए हैं कि बॉस कुछ तो तुम लोग साथ में बात करके डिसाइड कर लो कि हमारे लिए कुछ अच्छा हो जाए, और वो लोग नहीं कर रहे थे तो फाइनली वी डिसाइडेड। सो थर्ड पार्टी इवेंट्स कैन कंटिन्यू टू हैपन ऑन मंडेस, बट नो T1 टीम, एटलीस्ट द वन्स दैट हैव डिस्कस्ड अमंग्स देमसेल्व्स। बाकी लोग को अगर खेलना है तो इट्स अप टू देम, बट T1 टीम्स दैट हैव डिस्कस्ड अमंग्स देमसेल्व्स एंड अग्रीड, वो लोग नहीं खेलेंगे मंडे एनी इवेंट। ऑफ कोर्स थर्ड पार्टी इवेंट्स, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑफिशियल इवेंट, जैसे BGIS वगैरह आते हैं तो डेफिनेटली खेलेंगे, बट ये पिछले मैच में मुझे थर्ड पार्टी इवेंट्स हम लोग एक भी नहीं खेलेंगे। और इसमें हम लोग है, रेवेनेंट है, इपाक है, VLT है, सुनामी बैठे हुए थे, आई बिलीव OGB है, तो ये सारे मेन मेन टीम्स अगर नहीं खेलेंगे उसके बावजूद अगर इवेंट ऑर्गेनाइजर्स को वो दिन पे इवेंट्स करने हैं तो इट्स अप टू देम। एंड एक प्लेयर बस पीछे का देख रहा था कि जोन के, क्योंकि एवरी प्लेयर नीड्स अ ब्रेक यार। हर बंदा हर टीम में, जितने लोगों से मैं बात कर रहा हूँ एवरीबडी आस्किंग फॉर अ दिन, एक बिचारों को मिल ही नहीं रहा। कौन देगा उनको ब्रेक? हम देगा उनको ब्रेक, हम देंगे। इवेंट ऑर्गेनाइजर्स नहीं दे रहे तो हम देंगे। एंड इसके बाद आप लोगों को पता है कि आजकल बहुत सारे टूर्नामेंट क्लैश हो रहे हैं। एंड इसके बाद जो ई स्पोर्ट्स वाला है उन्होंने एक स्टोरी डाली थी जिसमें उन्होंने लिखा था कि एज अ ई स्पोर्ट्स इवेंट मैनेजर वी अप्रिशिएट योर डिसीजन, कैन यू गाइज ऑल्सो मेक अ डिसीजन विच टूर्नामेंट यू गाइज हैव टू प्ले ऑन फर्स्ट कम इनवाइट बेसिस नो मैटर व्हाट्स द प्राइस पूल। एंड उनकी स्टोरी आप लोगों को स्क्रीन पर नजर आ रही होगी। इसके बाद जो कुल है उन्होंने भी एक स्टोरी डाली थी, तो उन्होंने क्या कहा था वो आप लोग देख सकते हैं। एंड इसके बाद जो वन शॉट है उन्होंने डिसीजन ले लिया है कि वो अपकमिंग इवेंट्स के अंदर मंडे को जो है वो ब्रेक रखने वाले हैं, एंड वो भी आप लोगों को स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। एंड इसके बाद जो मैंने उन्होंने बताया था वो फ्यूचर के लिए कुछ प्लान कर रहे हैं, एंड वो उनका लॉन्ग टर्म प्लान रहने वाला है, तो देखते हैं वो कब रिवील करते हैं। तो उन्होंने इस पे क्या बोला था वो आप लोग देख सकते हैं। भाई अभी हम है ना अपने करियर के बारे में बहुत कुछ सोच के रखा है, तेको पता है फ्यूचर प्लान मेरा, हम स्ट्रीम पर रिवील नहीं कर रहा। हां लाइक नॉट कॉम्पी वाला फ्यूचर प्लान नहीं कर रहा, हम रियल फ्यूचर प्लान की बात कर रहा है जो कि लॉन्ग टर्म में काम आएगा। क्या तुम अभी क्या छोटा अमन के बारे में बात सोच रही है? छोटा अमन के बारे में सोच रही है? नहीं नहीं वो तो ज्यादा लंबा हो गया, ज्यादा दूर हो गया। अच्छा अच्छा, मतलब छोटे अमन के लिए भी जो क्या करना पड़ेगा भाई, पूरे टाइम ये थोड़ी ना करेंगे, गेम थोड़ी ना खेलते रहेंगे। एंड इसके बाद जो अल्ट्रॉन है उन्होंने कॉल किया था रॉक्स को, जिस पे उन्होंने पूछा था कि वो ऐसे 12 बूट कैंप कब आ रहे हैं, तो उन्होंने इस पे क्या बोला वो आप लोग देख सकते हैं। हेलो हाँ रॉक्स कैसा है? अरे अल्ट्रॉन बोल रहा हूँ, कौन बात कर रहा है? नाइस नाइस, दो साल का यार आना भूल गए तुम, ठीक है भाई। अच्छा अच्छा, क्या तबियत खराब है क्या तेरी? तेरे को भी डेंगू हो रखा है? तू फिर अच्छा, फिर तू मतलब डेंगू ठीक हो जाएगा फिर आ जाएगा ना इधर मुंबई? डेंगू ठीक हो जाएगा तभी तो कहीं जा पाऊंगा। एंड इसके बाद आप लोगों को भी पता ही होगा जो टीम एक्स पार्क है उनके प्लेयर्स हमारे को जूटे के साथ डिस्कॉर्ड पे देखने को मिले थे, तो इसी चीज के ऊपर जो अल्ट्रॉन है उन्होंने रिएक्ट करते हुए क्या कहा वो आप लोग देख सकते हैं। आपका कोच जूटे है? ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, वो जो स्क्रीनशॉट लीक हुआ है वो बस हमने एक बार पूछा था, उसने बस कुछ नहीं बोला, उसने इतना बताया था कि इंडिया का अलग है और बाकी पूरे ग्लोबल का चाइना का प्रॉपर अलग गेम प्ले, उसके पास टाइम नहीं है कोच करने का ब्रो। अल्ट्रॉन भाई झूठे अच्छी झूठे सच्ची में एक्सपायर को कोच करेगा? नहीं करेगा अल्ट्रॉन भाई, नहीं करेगा, नहीं करेगा ब्रो, नहीं करेगा, टाइम नहीं है उसके पास गाइस। वो PMGC वो कास्टिंग का उसको इतना काम है वो नहीं कर सकता। वो थोड़े टाइम के लिए हमने 15-10 मिनट डिस्कॉर्ड पे बैठे थे, उसके बाद ही वॉज ऑफ टू हिज वर्क और अपन चले गए थे ऑफ। RIP। एंड इसके बाद जो डेस्ट्रो हैं उनसे पूछा गया था कि उन्होंने SG को ज्वाइन क्यों करा था, एंड उन्होंने सोल को अप्रोच किया था टीम चेंज करते हुए या नहीं, तो इस पे उन्होंने क्या रिप्लाई करा वो भी आप लोग देख सकते हैं। और किसी और प्लेयर का परफॉर्मेंस थोड़ा थोड़ा भी कुछ अफेक्ट करे, दैट्स व्हाई आई टॉक टू द टीम, मैंने मैनेजमेंट से बात करी एंड देवर लाइक
वेरी क्या बोलते हैं उसको, मतलब एक्सेप्ट कर लिया था उन लोगों ने, ऐसा कुछ प्रॉब्लम वगैरह कुछ नहीं हुई, अच्छे से बात हुई, म्यूचुअली डिसाइड किया मैंने, देन रेड बुल आया। सो डिसाइड ये हुआ था आई वुड बी द फिफ्थ प्लेयर फॉर ऑरेंज रॉक, मैं बैठूंगा वहाँ पे, आई विल वॉच द गेम्स एंड जब मुझे लगेगा कि आई वॉन्ट टू प्ले मैं टीम को बता दूंगा। बट उसी टाइम रेड बुल का टूर्नामेंट आया और BGIS आया एंड इट वॉज टोल्ड दैट इट इज़ अ 4-man टूर्नामेंट एंड ऑब्वियसली आई वॉन्ट मिस अ मेजर कैसी किसी भी कंडीशन पर। दैट्स वाई आई स्टार्टेड लुकिंग फॉर टीम्स, तो मेरी 3-4 टीम्स में बात भी हुई एंड आई फेल्ट SG वॉज द बेस्ट लाइक आउट ऑफ दोज 3 or 4 टीम्स, सो आई चूज SG एंड मैं आ गया यहाँ पे। भाई सोल का अप्रोच किया था क्या SG के पहले? नहीं नहीं किया था भाई मैंने। एंड इसके बाद उन्होंने अपनी ओल्ड टीम एक्सपार्क के बारे में बात करी थी एंड 420 OP के बारे में भी उन्होंने बात करी थी, तो उन्होंने उस पर क्या बोला वो आप लोग देख सकते हैं। दिमाग में नहीं आया कि दोबारा साथ में हो जाए क्रिश भाई, इट वॉजेंट लाइक कि हम मतलब नहीं चाहते, मतलब चाहते नहीं थे ऐसा कुछ हम साथ में आया कुछ। इवन वेन वी आर लुकिंग फॉर अ प्लेयर ईवो से पहले आई वॉन्टेड 420 टू कम बैक, बट कुछ और ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज़ वगैरह होती हैं, ईवो के आने के बाद भी आई ट्राइड बट यू नो कुछ चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती। इवन दो आई बैडली वॉन्टेड दैट टू हैपन बिकॉज आई नो वैसा होगा तो वी विल श्योरली परफॉर्म, बट इट्स ओके, वॉट हैपन्स हैपन्स फॉर अ रीज़न, तो इतना सोचने वाली बात नहीं है। बट आई स्टिल मिस दैट लाइनअप, दैट वॉज माई फेवरेट टीम, अभी तक जितनी टीम्स में भी रहा हूँ मैं। एंड इसके बाद जो सविता रहे हैं वो हमारे को खेलते हुए दिखे थे टीम सोल के साथ, जिससे लोगों को लग रहा था कि जो सविता रहे हैं वो सोल ज्वाइन करने वाले हैं, तो सविता रहे जो सेड है उन्होंने इस चीज़ पर रिप्लाई करा था, तो उन्होंने इस पर क्या बोला वो आप लोग देख सकते हैं। सविता क्यों खेल रहा है? आई थिंक क्योंकि देयर इज अ चांस रेगा भी बीमार है, मतलब चांस नहीं रेगा काफी बीमार है, पूरा सोदन शिफ्ट आ चुका है स्प्लिट लेने का। सविता छोटू बेबी है रे, सोल से खेल रहे थे क्या? यस आई यू रियली जॉइनिंग सोल, सोल सविता कुड हैपन नो ब्रो, आई वाज प्लेइंग बिकॉज वी डिडंट हैव अ स्लॉट इन स्काई स्पोर्ट्स, दैट्स इट भाई, फॉर्म नहीं आ रहा क्या इधर। एंड इसके बाद जो जोनाथन एंड वैक्सी हैं उन्होंने बताया था कि टीम OR एंड गॉडलाइक में से किसी को भी अभी तक इनवाइट नहीं मिला है PMGC का, तो दोनों ने इस पे क्या बोला था वो आप लोग देख सकते हैं। आप लोगों को क्या लगता है कि कौन सी टीम को इनवाइट, OR को BGIS का इनवाइट आया है क्या? नहीं नहीं भाई, BGIS नहीं, आई मीन PMGC, हाँ PMGC का तो नहीं भाई, जीतने पे आएगा शायद ना, BGIS जीतेगा शायद उसको मिलेगा। एंड इसके बाद जो वैक्सी है उन्होंने बताया था कि जो जेली है वो बूट कैंप पे आ चुके हैं एंड वो आप लोगों को स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। एंड यार आप लोगों को भी पता ही है BGIS के जो क्वालिफायर्स हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं। एंड इसके बाद बहुत सारे लोग मेरे को स्टोरी में मेंशन कर रहे हैं कि बहुत सारे हैकर सभी भी आ रहे हैं, इसलिए जो BGIS है यार ये भी अनफेयर होता जा रहा है जो भी लोग टैलेंटेड है उनके लिए, तो जो मजिक है उन्होंने भी स्टोरी लगाई थी एंड इस पे क्या बोला वो आप लोग देख सकते हैं। BGIS क्वालिफायर से एक बहुत बड़ा झोंक है, सिर्फ ESP और एमबॉट दिखने को मिलता है क्वालिफायर्स के नाम से, तो देख लो क्वालिफाई होना तो हाथ की बात है, हैकर्स के तो हाथ की बात, तो क्वालिफाई हो जाएंगे। एंड देखते हैं यार कब तक इस पे ऑफिशियल जो है वो कोई अपनी स्टेटमेंट देते हैं। एंड इसके बाद जो एनिग्मा गेमिंग है उनका हमारे को वेलोरेंट का न्यू कोच अनाउंसमेंट देखने को मिली जो आप लोगों को स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। एंड इसके बाद जो नियो है उन्होंने बताया है कि उनकी जो पूरी टीम है वो एम असिस्ट ऑफ पे खेल रही है एंड जो टूर्नामेंट्स है वो प्रैक्टिस के लिए खेल रही है एंड वो न्यू स्ट्रेटेजी को एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। तो बस गाइज अभी के लिए मेरे पास इतनी न्यूज़ थी, आगे कोई और अपडेट मिलेगी तो मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में दे दूंगा, तब तक के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। तो बस अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।